नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुरुवार को राजधानी में कई जगह शिविरों का आयोजन हुआ। इस शिविर में खास व आम सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही निरोगी रहने के लिए नियमित योग करने का भी संकल्प लिया। राजभवन में राज्यपाल राम नाईक और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने योग किया। तो रिंग रोड स्थित स्मृति पार्क में भी सैकड़ों लोगों ने योग शिविर में हिस्सा लिया। इस बार रामलीला ग्राउंड में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रामलीला समिति के अध्यक्ष हरिश्चंद्र अग्रवाल व पंडित आदित्य द्विवेदी के साथ विभिन्न संगठनों के लोग शामिल थे। योग को लेकर प्रतिदिन सुबह सैर को निकलने वाले लोग भी जागरूक दिखे। चौक पर लोहिया पार्क, गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क सहित विभिन्न स्थानों पर योग करते लोग दिखे। योग में काफी संख्या में महिलाओं समेत युवतियां शामिल रहीं। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। कहते हैं इसके कई स्टेप हैं। आप इसमें डीप ब्रीदिंग करिए और पैरों में जितना गैप करेंगे उतना रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। हाँ, उठा लिया और कम करिए, और कम बहुत ज्यादा नहीं उठाना है। 45 स्लोली स्लोली डा, एक पटक की कोई पैर नहीं रखेंगे, नहीं तो नाभि अट जाएगी। हमें इस दिशा में अवश्य विचार करना चाहिए। नियमित दिनचर्या यानी जीवन में संतुलन ही योग है, और संतुलन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि यह भारत को स्वस्थ बनाने और भारत को निरोग बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ हम सबको जोड़ना चाहिए। नियमित रूप से आधा घंटा योगी क्रियाओं के लिए नियमित अभ्यास करना अत्यंत आसान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।